जय माँ का माँ क्या देवी। भक्तों सजनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक देखे समझे, उसके बाद में इस विधि का उपयोग करें, अन्यथा न करें। यह जो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है एक काला जादू। काला जादू जो है वो किस तरीके से किया जाता है और किस तरह से किसी इंसान के ऊपर छोड़ा जाता है, किस तरीके से किया जाता है, जिसके करने से वो इंसान विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, भयभीत हो जाता है, उसके जो कारोबार में जो गिरावट आ जाती है, या मतलब क्या है कि शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ने लग जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और या फिर अगर वो मतलब उसके ऊपर जो कर रहा है वो अपने चाहने वाले से दूर होने लग जाता है। तो इस तरह से ये जो काला जादू है वो असर करता है। काला जादू एक ऐसी चीज है जिसका नाम मात्र ही काफी है, जो बोलने में ही सुनने में ही इतना खतरनाक जो है होता है, जिसे कहते हैं काला जादू। ये काली विद्याएं हैं। इस चीज का जो उपयोग है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या है कि इसका गलत उपयोग करते हैं। और काला जादू जो है वो ऐसा नहीं है कि गलत ही है। जो सिद्धियां होती हैं, जो ये तांत्रिक कर्म होते हैं, जो सिद्धियां होती हैं, ये जो शक्तियां होती है, इनका दुरुपयोग भी किया जाता है और सदुपयोग भी किया जाता है। दुरुपयोग बहुत से ऐसे लोग जो बैठे हैं जो एक पैसों के लालच में क्या है कि जिसका दुरुपयोग वो कर देते हैं, और बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो पैसों के घमंड में उनके ऊपर जो है वो काला जादू छुड़वा देते हैं और उसी के चलते हुए बहुत सा कुछ बिगाड़ हो जाता है, बहुत सी चीजें खराब हो जाती हैं, चाहने वाले जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो काला जादू है वो किस तरह से किया जाता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ध्यान से देखें। काला जादू को करने के लिए हमें एक जो तांत्रिक जो करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, और वो बहुत से तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है कि एक जिसके तस्वीर चाहिए जिसके ऊपर काला जादू करना होता है, और एक नींबू चाहिए होता है, और एक सरसों के तेल में एक दीपक, और ये जो कर्म होता है वो सुनसान जगह जा करके शमशान में ये कर्म होता है, किया जाता है। अभी मैं आपको जैसे बताने जा रहा था कि इनका जो उपयोग है सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। तो जैसे रावण है, उसके पास भी सिद्धियां थी, उसके पास भी शक्तियां थी, वो भी प्रचंड शक्तियों का मालिक था, लेकिन उसने दुरुपयोग किया। और वैसे ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुरुपयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई दुरुपयोग किसी भी चीज का नहीं होता। सदुपयोग के लिए ही करें तो ये विधि ज्यादा कारगर होगी, ज्यादा फायदेमंद होगी। अन्यथा अगर इसे किसी के ऊपर करते हैं तो ये चीजें ऐसी हैं कि बिना सिद्ध किए अगर इसे करते हैं, इन्हें करते हैं, इन चीजों का उपयोग करते हैं, काला जादू करते हैं, तो ये क्या है कि इंसान को लंगड़ा, लूला, बहरा कुछ भी कर सकती है, उसके साथ उसको नष्ट भी कर सकती है, उसकी आर्थिक व्यवस्था भी बिगाड़ सकती है, उसका शरीर भी खराब कर सकती है किसी भी तरीके से। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक देखें। जिसके ऊपर काला जादू करना हो उसकी एक तस्वीर चाहिए, उस तस्वीर के नीचे नाम लिख देते हैं उसका, या उस तस्वीर के पीछे लिख दो अगर आपके पास तस्वीर है तो। अब यहाँ पे तस्वीर नहीं है तो उस एक जैसे एक ये पुतला बनाया है, ये एक तस्वीर बनाई है, इसके नीचे इसका नाम लिख दिया गया। अब क्या है कि सिद्ध किए हुए मंत्रों के द्वारा पहले इस नींबू को उसके पांव के नीचे रख दें और 11 बार सिद्ध किए हुए मंत्र का जो है वो जाप करें, और उसके बाद इसी नींबू को मंत्र का जाप करते हुए, एक मंत्र का जाप करना, जब जैसे ही मंत्र पूरा हो जाए उसके सर के ऊपर ये नींबू रखना है और मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप जैसे ही पूरा हो जाए एक मंत्र का, उसको उठा करके उसके पूरे शरीर से ऐसे ला करके और पांव तक लेके आना है। दूसरी बार फिर से मंत्र का जाप करना है, नींबू लगा के रखना है और फिर से पांव की तरफ लेके आना है। इस तरह से ऐसे करेंगे हम 7 बार। ये देखिए इधर, ये 7 बार इस तरह से इस नींबू को इस तरह से करेंगे। करने के बाद में हम 11 बार फिर से मंत्र का जाप करेंगे और ये जो नींबू है और उसकी जो तस्वीर है, शमशान में ही वहीं पे ही
खड्डा खोद करके और उसी जगह ये गाड़ देते हैं और साथ में उसके सीने के ऊपर ये नींबू रख देते हैं। इस तरह वही खड्डा खोद के तस्वीर रख दी, उसके ऊपर उसकी छाती पे नींबू रख दिया और ऊपर से उसे बंद कर दिया। ये कर्म कब करना है? पहले तो मंत्र के जाप करने, सिद्धि करनी, उसके बाद में ये जो कार्य है, ये जो विधि करनी है, जो काला जादू करना है, वो आपको अमावस की रात ही करना है। ये ध्यान रखें, अमावस की रात जो काली रात होती है, क्योंकि काला जादू आप कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये करें, इस तरह से ये तांत्रिक जो है वो करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो, या कुछ समझ में कोई फर्क हुआ हो, या कोई समझ में नहीं आ रहा हो, या नहीं कर पा रहे हो, या आपका कोई समस्या हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जय माँ का माथा देवी।